देश भर में कोरोना का कहर जारी है, वहीं गुजरात में ये आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल गुजरात में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 7013 तक पहुंच गई है। देश भर में कोरोना का कहर जारी है, गुजरात में भी ये आंकड़ा लगातार ही बढ़ता जा रहा है। साबरकांठा में पॉजिटिव केसों की संख्या 15 तक पहुंच गई है। बता दें कि गुजरात में 22 मार्च को जहां कोरोना संक्रमण के 18 मामले थे, वहीं 7 मई को राज्य में 7013 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। गुजरात के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 23 अप्रैल की रात तक राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2642 थी, यानी केवल 15 दिनों में 4371 नए मामले सामने आ गए हैं। गुजरात में कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल कुल मामले 7013 हैं, जिनमें नए मामले 388 हैं। कोरोना वायरस के चलते अभी तक मौत का आंकड़ा 425 पहुंच गया है। वहीं ठीक हुए मरीजों की संख्या 1709 है। ऐसे मरीज जिनका इलाज अभी चल रहा है 4879 हैं। अभी तक कुल 1,553 लोगों की जांच की गई है। नमस्कार, मैं हूं हर्षद कुमार, आप देख रहे हो HBN न्यूज चैनल। साबरकांठा के जिले के अंदर कल 5 पॉजिटिव केस सामने आया है। अब तक साबरकांठा के अंदर 15 केस हो चुके हैं। चौंकाने वाली यही बात है कि 8 मास के बच्चे ने भी कोरोना पॉजिटिव केस आया है। शायद उनकी माता ने भी 3 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव केस था। बात करें गुजरात के अंदर अब तक 7000 से आगे बढ़ गया है। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसके अंदर डॉक्टर जयंती रवि ने जो बातें कही, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, कल शाम के 5 बजे से आज शाम के 5 बजे तक 24 घंटे में गुजरात में कुल 388 कोविड के पॉजिटिव केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं। इस 24 घंटों के दरमियान 12 ऐसे लोग का दुखद अवसान हुआ है कि जिनको कोविड की प्राथमिक संक्रमण की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। 17 ऐसे लोग हैं कि जिनको पहले से अन्य गंभीर बीमारी थी, जिसे हम को मॉर्बिड कंडीशन कहते हैं, और उनको कोविड का भी संक्रमण हुआ और कोविड का संक्रमण एक सेकेंडरी कॉज ऑफ डेथ था, पर उनकी भी दुखद मृत्यु हुई है। आज 209 जितने लोग डिस्चार्ज होके घर वापस गए हैं, इन्होंने अब सफलतापूर्वक अपनी चिकित्सा, अपनी इलाज, कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट होने के बावजूद इनकी ट्रीटमेंट पूरी हुई है और वापस गए हैं। आज खास हम सबको ये ध्यान में रखना है कि कोविड से अगर पॉजिटिव भी होते हैं तो इसमें से 95% जितने 95% जितने लोग बिल्कुल ठीक होके वापस घर जाते हैं। तो इस चीज़ का भी हम सब ध्यान रखें, और जो इसमें जिसका दुखद अवसान होता है, इन लोगों का खास अगर हम लोग जब एनालिसिस करते हैं, डेथ ऑडिट करते हैं, तो इसमें 90% ऑफ दीज पीपल मेनली ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी कोई रिस्क फैक्टर होती है, या तो उम्र बहुत छोटी होती है, 5 वर्ष से छोटे बच्चे, या फिर 60 वर्ष से बड़ी उम्र के लोग, या जिनको अन्य गंभीर बीमारियां हैं। तो अगर हम ऐसे जो हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं, हमारे बाकी बड़े उम्र के लोग हैं घर में, या ऐसे लोग के जिनको अन्य गंभीर बीमारियां हैं, उनको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके एकदम उनको एक संक्रमण जरा भी न पहुँचे, यानी कि दिन दरमियान बार बार हैंड वॉश करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, और अलग अलग जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेद के सिंपल पर बहुत ही पावरफुल मेजर्स हैं, कि जिस तरह से हम पूरे दिन हर आधे घंटे, हर एक घंटे में गर्म पानी पीते रहें, या फिर हम अगर गर्म दूध के जिसके अंदर हल्दी डाल के भी पिया जा सकता है, ये लेने से बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी तक के कुल गुजरात में पॉजिटिव जो पेशेंट्स आए हैं 7013, जो डिस्चार्ज होके कुल घर वापस चले गए हैं, ऐसे 1709 पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल ठीक होके सक्सेसफुली डिस्चार्ज हो गए हैं। ये रिकवरी रेट भी काफ़ी इसमें बढ़ावा हुआ है। 15 दिन पहले जो
हमारी रिकवरी रेट का एक प्रमाण था, उसके मुकाबले आज 326% इसमें एक बढ़ावा आया है। और आज हम अगर देखेंगे तो कुल 1709 जितने लोग पूरे अभी तक डिस्चार्ज होके घर वापस चले गए हैं। आज के दिन 4853 लोग स्टेबल हैं, जो एक्टिव पेशेंट्स हैं, जिनकी चिकित्सा चल रही है, इसमें से 26 ऐसे लोग हैं इसके अलावा जो एक्टिव पेशेंट्स में हैं कि जो वेंटिलेटरी केयर पर हैं। और आज तक जो टेस्ट्स करने का प्रमाण है गुजरात में, अगर इसका पूरा क्यूमुलेटिव आंख हम देखें तो 1,553 जितने RT-PCR टेस्ट हम कर चुके हैं। और इसमें से जो पॉजिटिव टेस्ट्स जो आए हैं 7013 जितने आए हैं। और ये गई 24 घंटे में हमने 5362 जितने टेस्ट किए हैं, तो ये भी इस वजह से मुनासिब हुआ है कि हमने एक स्पेशल पूलिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल किया है। आज एक बहुत ही अच्छी खबर ये भी है कि हमारे यहाँ 11 अप्रैल से लेके 6 मई तक के अरसे में हमारे जितने भी क्वारंटीन सेंटर्स थे और होम क्वारंटीन सेंटर्स, ऐसे भी लोग अब अलाउ करते हैं हम रूल्स के मुताबिक पहले से ही, कि जो घर पर रहते हैं, यानी ऐसे लोग कि जो किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में ज़रूर आए हैं, इसका मतलब है कि संक्रमित होने की पूरी संभावना भी रही है, लेकिन 14 दिन तक इनको हम क्वारंटीन में रख के ऑब्ज़र्व करते हैं, ऐसे 14,678 यानी कि 14,678 लोग ऐसे थे कि जो होम क्वारंटीन या इंस्टीट्यूशनल के गवर्नमेंट क्वारंटीन सेंटर में थे। इनमें से 9,433 ऐसे लोग थे कि जिन्होंने आयुर्वेद दवा लेने के लिए एक सहमति भी दी और इसको अपनाया। 5,248 ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने ये होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, संस्थाकीय क्वारंटीन में रहते हुए अपनी सहमति बताई कि वो होम्योपैथी की दवा लेंगे और उन्हें वो पसंद किया। अब इन सब को ये पूरा जो है कोर्स प्रोफिलैक्सिस का, यानी के रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए आयुर्वेद या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का उपचार दिया गया। और इसमें से मात्र 40 ही ऐसे लोग थे कि जिनको 14 दिन के बाद जब टेस्ट किया गया पॉजिटिव निकले। इसका मतलब ये होता है कि 99.73% ऐसे लोग हैं कि जो पॉजिटिव होने से बच गए, कोविड पॉजिटिव होने से बच गए, और इन्होंने ये जो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए आयुष और होम्योपैथी का भी सेवन किया है। तो इस तरह से आप सबसे अनुरोध है कि आप आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल पर ज़रूर डाउनलोड करें। बिल्कुल हम लोग धीरज रखें, क्योंकि ये जो लड़ाई है कोरोना के साथ, हम सबको धीरज से बिल्कुल घबराना नहीं है। उससे एक पूरी एक भय भीत एक अवस्था अगर हो जाती है तो इसमें हम सबकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी घट जाती है, कम हो जाती है। हमें धीरज से बिल्कुल सावधानी पूर्वक रहना है। और ये जो संक्रमण है, इसे इसका चेप बिल्कुल हमें या किसी और को न लगे, इसके लिए जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं उसे बिल्कुल हमें संपूर्ण तौर से पालन करना है। नमस्कार।